आज मेरे हाथों में एक ऐसा फोन है जो ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है। ये है वीवो की सीरीज टी। ये T2 से T3 पूरे एक साल बाद लॉन्च हुआ है। ये फोन आपको 22,000 रुपए से भी कम की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल फोन्स में नहीं देखने को मिलती। तो चलिए देखते हैं बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस या फिर डिजाइन, कौन सी इस फोन की सबसे तगड़ी चीज है। जल्दी खोलो ना, कितना बोलोगे। अरे रुक ना, फूला हुआ डिब्बा देख के लग रहा है इसके अंदर चार्जर वगैरह सारा मसाला वीवो ने दिया होगा। तो सबसे पहले ये फोन, ऑब्वियसली इसको तो बाद में देखूंगा, इसके बाद ये कवर, इसको भी बाद में देखूंगा, और अब ये चार्जर, इसको अभी के अभी देखूंगा। ये है एक 44 वोल्ट का चार्जर, साथ ही में एक टाइप सी टू टाइप ए वाली केबल। तो थैंकफुली हमें ये चीज मिल गई, मतलब अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक सिम इंजेक्टर पिन, कुछ IMEI स्टिकर्स, साथ ही में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और ये नॉर्मल सा कवर भी साथ ही मिला है, तो इसके लिए भी आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एंड अब ये फोन, ओ भाई इंटरेस्टिंग तो लग रहा है यार, 20-22,000 रुपए की प्राइस रेंज में एक अच्छा बहुत मस्त डिजाइन है यार ये। और पावर के नाम पे इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7200 जो 4nm आर्किटेक्चर पे आता है। 20-22,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको अगर एक 4nm वाला प्रोसेसर मिल जाए, इससे बेटर और क्या होगा। अच्छी पावर साथ में बैटरी एफिशिएंट, और इसकी ताकत की इनडेप्थ टेस्टिंग के लिए हमने इसके अंदर BGMI खेला। ये स्मूथ पे 60fps पे काफी आराम से निकाल के दे देता है, और क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हमने इसमें CPU थ्रोटल टेस्ट भी किया है, बेंचमार्क स्कोर भी टेस्ट किया है, और सारे स्कोर्स काफी कमाल के हैं। 7 लाख प्लस आपको अंततु बेंचमार्क स्कोर मिलते हैं। और वीवो अपने कैमरास की वजह से स्पेशली जाना जाता है, अलग से आइडेंटिटी बनती है इनकी ऑफलाइन मार्केट में। जब जाके कोई देखता है और भाई जो एकदम चकाचौंध मस्त वाली फोटो आती है ना, उसके साथ ही एकदम कनेक्शन है वीवो का। तो इसके अंदर इसके लिए है ट्रिपल रेयर कैमराज, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, साथ ही दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का बुके सेंसर, लेकिन ये आपके शायद इतना काम ना आए। और तीसरा है फ्लिकर सेंसर, मतलब अगर आप लैपटॉप वगैरह की डिस्प्ले फोटो लेते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि सामने की तरफ फ्लिकर आ रहा है, लेकिन इसमें फ्लिकर बिल्कुल आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए अलग से सेंसर दे रखा है। और अगर आप इस फोन से किसी डॉक्यूमेंट की फोटो लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि डॉक्यूमेंट मोड में शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही आप शिफ्ट होगे ये उसके एजेस को डिटेक्ट करेगा। इवन इस 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको OIS भी मिलता है, जिससे फोटोज काफी कमाल के आते हैं, काफी स्टेडी वीडियो क्वालिटी मिलती है। और एक्चुअल में इसको टेस्ट करके देखते हैं कि OIS वीडियो में कितना काम करता है। इवनिंग का टाइम है और ये अपनी मैक्स क्वालिटी पे शूट कर रहा है 4K 30fps में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्वालिटी कैसी आ रही है, मैं थोड़ा सा आप दौड़ के भी दिखाता हूँ, स्टेबिलिटी देख चेक करना एक बार के लिए। इसमें आप 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो पिछली बार वाला T2 नहीं कर सकता था 4K 30fps में, और काफी स्टेबल सी क्वालिटी हमको देखने को मिली है। इवन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, जो इस वक्त बिल्कुल शाम का मौसम है और अच्छे से काम कर रहा है। इवन हमने भागते हुए भी ट्राई किया है, उस वक्त भी फोटोज स्टेबल आती है। वीवो इस डिजाइन को क्रिस्टल फ्लेक डिजाइन नाम देता है। इसके लिए वीवो ने इसमें 3D DOI प्रोसेस किया है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल टेक्सचर डिजाइन बन पाया है। गुजरात में मैन्युफैक्चर किया गया है। ऐसा क्यों? साइड में फ्रेम्स भी आपको वैसी देखने को मिल जाती है, तो गिरेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि ये टूटने वालों में से नहीं है। और जब ये गिर रहा है तब भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्योंकि इतनी आवाज ही नहीं आ रही है। ये 189 ग्राम का फोन, साइड से इसका जो डिजाइन है वो 7.8mm का है। हाँ, फोन पे अगर ऐसे पानी भी गिर जाए तो आपको कोई डर नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें IP54 है, मतलब वाटर और डस्ट से थोड़ी सुरक्षा मिलती है। इस फोन के अंदर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो ऑब्वियस सी बात है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए क्योंकि वीवो ये चीज में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। एक चीज में हमने कंजूसी कर ली, लास्ट टाइम जब T2 लॉन्च हुआ था उसके अंदर वाटरड्रॉप नोज थी, इस बार वो हटके यहाँ पे पंच होल आ चुका है, जो डेफिनेटली अच्छा तो लग रहा है। और लास्ट टाइम 6.3 इंचेस की डिस्प्ले थी, इस बार ये 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले बन चुकी है। इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1800 मैक्स नीट्स है, जो इस सेगमेंट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा होगी। और यार जब आप कॉन्टेंट देख रहे होते हो इनडोर आउटडोर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके अंदर 4K सपोर्ट मिलता है, मतलब आप आराम से 4K HDR वीडियोज प्ले कर सकते हो मस्त कलर्स के साथ। वो इसकी डिस्प्ले अगर मैं बिल्कुल साइड से भी देखूं तो अच्छे से विजिबल है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। कलर्स काफी वाइब्रेंट एंड पंची आते हैं बिकॉज ऑफ अल्ट्रा विजन एमोलेड डिस्प्ले। और इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, एक बार साउंड सुनने क्या हाल है भाई। इसके अंदर ना आप 100% वॉल्यूम कर सकते हो, उसके अलावा ना आप एक बार और बटन दबाओगे यहाँ पे 150% दिखाएगा, एक बार और दबाओगे 200% वॉल्यूम दिखाएगा, मतलब यहाँ से पूरा बूस्ट कर देता है ये। बूस्ट करने के बाद
साउंड में मेरे को थोड़ी सी बेस की कमी लगी, बाकी लाउडनेस बहुत मस्त है। भले ये पतला सा फोन है लेकिन इंजीनियरिंग इतनी कमाल की है कि 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, आराम से एक दिन चल जाती है, हमने इसको टेस्ट करके देखा है। और अगर डिस्चार्ज हो भी जाए तो उसके लिए आपको 44 वोल्ट का चार्जर मिलता है बॉक्स में ही, जो अराउंड 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपकी बैटरी को 100% चार्ज कर देगा। बाकी इसके अंदरूनी शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके अंदर मिलता है FunTouch OS 14, और FunTouch OS 14 एक्चुअली पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अंदर ब्लूटूथ तो मिलते हैं, नो डाउट काफी गेम्स प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप सिंगल क्लिक के साथ आप इनको अनइंस्टॉल कर पाओगे। साथ ही में स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाती है, और जो ऑप्टिमाइजेशन है वो डेफिनेटली आपको खुश करने वाली है। और अभी के वक्त में ये एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। हवालों से खबर आई है कि 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको सीरीज टी में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी मिलेंगे। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो 8 5G के बैंड्स हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5 ही है इसमें, तो थोड़ा सा पुराना हम बोल सकते हैं, लेकिन ये अभी एक वाईफाई से कनेक्टेड है, देखते हैं कितनी स्पीड गेन करता है। तो ये स्पीड गेन करी है इसने वाईफाई के साथ, और साथ ही में हमने एयरटेल 5G के साथ भी टेस्ट करा है। ओवरऑल आपको इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, मुझे लगता है 20-22 हज़ार रुपए के प्राइस रेंज में डिजाइन इसका एक हाईलाइट पॉइंट है, कैमरा भी अच्छा है, तो इन सारी चीजों को मिला के ये एक कंसिडरेबल फोन बनता है। और बाकी आप किसके साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए